चलो स्टार्ट करते हैं बैडमिंटन, ठीक है। कल जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं थे, ठीक है, वो भी कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं थे ना कल, मैक्सिमम ही नहीं थे, खैर 20 बच्चों को जोड़ के, ठीक है। इसलिए एक बार फिर से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो इस आपके सिलेबस में है क्या बैडमिंटन में, देखो हिस्ट्री है, मेजरमेंट्स है, रूल्स है, कंडक्ट ऑफ प्ले यानी गेम चलता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है या गेम में फॉल्ट क्या है, ठीक है, स्टार्ट कैसे होगा, रैली कैसे चलेगी, सर्विस कैसे होगी, ये सब देखते हैं हम कंडक्ट ऑफ प्ले में। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, बेसिक स्किल्स जैसे कि आपके जैसे शॉट मारना हो गया, ठीक है, स्ट्रोक्स हो गए, बैक हैंड, या फिर आप ये तरीके से ये मानो, ये होता है ना शॉर्ट सर्व, जैसे टाइप ऑफ सर्व हो गए, जैसे सर्व करना, शॉर्ट सर्व, लॉन्ग सर्व, स्मैश करना, ठीक है, स्मैश शॉट, ड्रॉप, ठीक है, ये सब आप ओके हो गए बेसिक स्किल। अब आ गई फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कोचिस होते हैं, रेफरी होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, टेक्निकल डेलीगेट्स होते हैं, उनकी क्या ड्यूटीज होती है। एक कैप्टन होता है, कैप्टन तो शायद नहीं होता इसमें, है ना, कैप्टन टीम गेम क्यों होता है, ठीक है, कोचिस हो गए, असिस्टेंट कोचिस हो गए, रेफरी हो गए, फर्स्ट रेफरी हो गए, सेकंड रेफरी हो गए, लाइन मैन हो गए या स्कोर कीपर हो गया, इन सब की क्या ड्यूटीज होती हैं, तो वो इसमें पढ़ना है। वो भी बहुत बेसिक, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत डीप में जा रहे हैं, आपकी बुक में वो सब चीज़ें बहुत डीप में दे रखी हैं। कहने का मतलब है कि बुक जो है थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस भी गई हुई है, जो उसकी क्या नाम है पब्लिकेशन का, कल्याणी, ठीक है, हाँ, बॉडीज एंड टूर्नामेंट, जो बॉडीज गवर्निंग बॉडीज जो है कंट्रोल जो करती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन, इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन, टूर्नामेंट्स हो गए, जैसे उबेर कप हो गया, थॉमस कप हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल पर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, स्टार्ट करते हैं इसलिए, ठीक है, पहले इसका बेसिक ओवरव्यू ले रहे थे। देखो बैडमिंटन एक रैकेट स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है, जैसे टेबल टेनिस हो गया रैकेट स्पोर्ट्स है, रैकेट यूज होता है ना उसमें, लॉन टेनिस हो गया एक रैकेट स्पोर्ट है, उसी तरह के तरीके से बैडमिंटन जो है वो भी क्या है, एक रैकेट स्पोर्ट्स है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, ये स्पोर्ट्स है जो प्ले किया जाता है किसके द्वारा, रैकेट के द्वारा शटल कॉक को हिट किया जाता है, किसके पार, नेट के पार, ठीक है। अल्सो इट में बी प्लेड विद लार्जर टीम्स, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द गेम आर सिंगल्स एंड डबल्स। बैडमिंटन इज ऑफन प्लेड एज अ कैजुअल आउटडोर एक्टिविटी इन यार्ड और ऑन अ बीच, फॉर्मल गेम्स एज प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर इंडोर कोर्ट। अच्छा तो पता होगा आपको बैडमिंटन एक इंडोर गेम है, ठीक है, बैडमिंटन एक इंडोर गेम है, आउटडोर नहीं है, क्यों, उसके पीछे एक रीजन है, हवा चलती है तो शटल की दिशा बदल जाती है, ठीक है, हल्की सी भी हवा चलने से क्या होता है, शटल का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इससे है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से बैडमिंटन क्या है, एक इंडोर का गेम है, ठीक है। ये दो तरीके से खेला जाता है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, देखो ये है बैडमिंटन का कोर्ट, ठीक है, अगर कोई प्लेयर सिंगल खेल रहा है, इस साइड को हटा दो, इस साइड को हटा दो, ये गिनी जाएगी सिंगल पे, सिंगल का कोर्ट ये है, देखो मेरी उंगली देखना कहाँ से जा रही है, ये है सिंगल का कोर्ट, ठीक है, और अगर डबल कोर्ट, डबल के कोर्ट की बात करते हैं तो ये पिछला हिस्सा पूरा हटा दो, ये जा रहा ना, ये है डबल का कोर्ट, ठीक है। अब देखो हम सिंगल प्लेयर को लेके चलते हैं, यानी ये जो साइड वाली जो एरिया है ना, ये इसे हटा दो पूरे को, ये एरिया सारा हट गया, ये हो गया नेट, ठीक है, लेंथ और विड्थ आपके सामने लिखी हुई है। मेजरमेंट देखो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं मेजरमेंट, ठीक है, 11th में मेजरमेंट का इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, ठीक है, कंडक्ट ऑफ प्ले, बेसिक स्किल्स, ठीक है, इन पर फोकस ज्यादा रहता है। अब देखो किसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ये नेट है, नेट से 1.98 मीटर इधर होती है शॉर्ट सर्विस लाइन, एक स्पोर्ट पर और एक स्पोर्ट पर, मतलब इस साइड पर, इस साइड पर, ये तो पूरा एक कोर्ट है, ठीक है, और यहां पर होती है सेंटर लाइन, ठीक है,
ये एक साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है पीछे की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो देखो, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो इधर से सर्व कर रहा है उधर मारेगा, इधर से सर्व कर रहा है तो इधर मारेगा। खैर इन सब चीजों पर हम बाद में आएंगे जब कंडक्ट ऑफ प्ले पढ़ेंगे। अभी कहने का मतलब ये था, या तो जब हम कह रहे जब बात हो रही थी सिंगल प्लेयर की, ठीक है, तो एक प्लेयर इधर है एक प्लेयर इधर है, लेकिन जब बात आएगी डबल्स की, इसमें डबल्स भी होता है, तो ईस्ट साइड दो प्लेयर होंगे, ठीक है। ये हो गया ना डबल का, एक इधर हो गया, एक का पाला ये हो गया और एक का पाला ये हो गया, पाला मतलब साइड, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तब चलता है डबल। डबल मतलब टू प्लेयर ईस्ट साइड, ठीक है। एक चलता है मिक्स डबल, मिक्स डबल का मतलब होता है वन मैन एंड वन वुमैन, नॉर्मली वन मेल वन फीमेल, ठीक है, यानी एक मेल एक फीमेल इस साइड, एक मेल एक फीमेल इस साइड, ठीक है। खैर कंडक्ट ऑफ प्ले पर हम बाद में आएंगे, अभी हम यहां पढ़ते, ठीक है। चलो यहां से आगे चलते हैं। अब हिस्ट्री, बैडमिंटन इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स, इट प्लेड ऑलमोस्ट इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट वेयर दिस गेम वर ऑरिजिनेटेड, मैनी हिस्टोरियंस। अच्छा ये बताओ, बहुत जो इंग्लिश मैंने इसमें यूज करी है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसे समझाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। मैनी स्पोर्ट्स हिस्टोरियंस बिलीव दैट द गेम ऑफ बैडमिंटन इवॉल्व फ्रॉम सिमिलर गेम्स बैटल डोर एंड शटल कॉक विच वर प्लेड इन ग्रीस एंड इजिप्शियन। उस टाइम पर जो बैटल डोर खेला जाता था उसमें एक रैकेट होता था, एक लकड़ी से बना हुआ होता था, ठीक है, लकड़ी से बना हुआ टाइनी मतलब छोटा रैकेट होता था, यहाँ पर सारी दिक्कत नहीं लगा पर मैंने। इन दिस गेम द शटल कॉक वॉज हिट विद अ वुडन पैडल, हाँ एक वुडन पैडल होता था, ठीक है, कॉल्ड अ बैट और बैटल डॉर, जिसे कोई बैट या बैटल डॉर कहा जाता था। अ बैडमिंटन गेम लाइक वॉज नोन इन एंशेंट ग्रीस एंड इजिप्ट, अ गेम कॉल्ड बैटल डॉर एंड शटल कॉक इन विच टू प्लेयर हिट द फेदर्ड शटल कॉक बैक एंड फोर्थ विद टाइनी रैकेट, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात तो नहीं है, इसमें ऐसा तो है नहीं, मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताऊं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अरे यार इसमें बस ना वो चलाना और सीखना है पेन, ठीक है, पेन तो मेरे पास है पर मैं चला नहीं पा रहा ढंग से, उसे भी चला लेंगे दो चार दिन में। द गेम वॉज फर्स्ट प्लेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन पुणे, पुणे तो जानते हो, ठीक है, इन द 18th सेंचुरी एंड वॉज प्लेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब आप जानते हैं ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने बहुत देशों के ऊपर राज किया है, राज क्या है, कॉलोनाइजेशन कहते हैं ना, कॉलोनाइजेशन उन्होंने किया था डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, ठीक है। अब वहां पर जो सीधी सी बात है, वहां पर जो है आपके जो ऑफिशियल्स होते गवर्नर्स होते वहां पर वो अपॉइंट होते थे, उसके बाद मिलिट्री भी आती थी। अब वो अपने रिक्रिएशन के लिए या खाली टाइम के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे, तो उनके थ्रू गेम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पहुंचे, ठीक है। और जब अंग्रेज खेल रहे होते थे, अब अंग्रेजों का सीधा कनेक्शन किसके साथ होता था, राजघरानों के साथ होता था, ये नहीं होता था, है ना, राजघरानों के साथ उनका सीधा कनेक्शन होता था, तो उनको भी उन्होंने ये गेम सिखाया कि इस तरीके के गेम्स भी होते हैं, ठीक है। देखो इट इज सेड दैट इन दिस गेम स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द फॉर्म ऑफ बैडमिंटन इन 1873 विच वॉज विटनेस्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु हैड कम टू इंडिया। द गेम वॉज वेरी पॉपुलर अमंग हाई ऑफिशियल्स एंड रॉयल फैमिलीज, फ्रॉम देयर इट वॉज नेम्ड बैडमिंटन। अर्लियर दिस गेम वॉज प्लेड इन अ सच हॉल इन विच द मिडल पार्ट ऑफ द हॉल वॉज नैरो एंड बोथ द साइड ऑफ द लेंथ वर एंड्स वर वाइड, अराउंड 1901 a wire started being tied on the middle of the hall so that the shuttlecock could go from above। यानी कि अब क्या हुआ, एक ठीक है एक धागा वहां पर लगा दिया गया, ठीक है, बीच में। अब उसमें क्या कहा गया, इसके ऊपर से जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है वो नीचे से नीचे मार रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट पीछे भी और आगे भी है, अगर वो आगे मार देगा, ठीक है, आगे नीचे से मार देगा बहुत जल्दी पॉइंट मिल जाएगा, इससे गेम में
जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या करा गया, एक सेंटर में, सेंटर के मिडिल में एक धागा बांध दिया गया कि भाई इसके ऊपर से जानी चाहिए, इसके ऊपर से जानी चाहिए। अब आते हैं बॉडीज पर, ठीक है। अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ी, अब हिस्ट्री को इन बॉडीज से भी कनेक्ट करते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन वॉज फाउंड इन इंग्लैंड इन 1893, ठीक है। वैसे देखो एक्चुअली इंग्लैंड में जो गेम से ज्यादा उनका ओरिजिनेट वहां से इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर स्पोर्ट को थोड़ी सी, जो ये पीरियड था ना 18th का पीरियड जो था, इसमें ना स्पोर्ट को वहां पर, एक तो वहां उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट गेम थे उनके रूल बनाए, उनके क्लब वहां पर एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। आपको शायद जानकर, शायद आपको पता हो, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है, YMCA का स्पोर्ट को डेवलप करने पर बहुत बड़ा, मतलब उसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है स्पोर्ट्स को डेवलप करने पर। उसका, उसकी एस्टेब्लिशमेंट यानी YMCA एस्टेब्लिश किया गया 1844 AD लंदन में विलियम जॉर्ज ने YMCA को वहां पर एस्टेब्लिश किया। अब साल लगा लो 1844 से वहां पर इतना कुछ हो गया था और यहाँ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, गेम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो खैर इसीलिए ज्यादातर गेम्स जो है या फेडरेशन जो है इंग्लैंड में पहले बनी या ओरिजिनेट उनको पहले माना जाता है। क्या हो गया, ठीक है, स्टार्ट हो गई ना। देखो बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन इंग्लैंड इन 1893। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन कब एस्टेब्लिश हुई, 1934, ठीक है। उस टाइम इसमें 9 कंट्रीज थे, प्रेजेंट में 120 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। प्रेजेंट वन इन बैडमिंटन, ये पुराना बैडमिंटन इज वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड टुडे इन चाइना मलेशिया, ये डोमिनेटिंग कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ इंडिया का नाम और डालना भूल गया, इंडिया का डोमिनेटिंग, भारत का नाम डालना भूल गया मैं, चलो ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैन थॉमस कप स्टार्टेड इन, यार इसमें तो एक चीज और रह गई, वर्ल्ड चैंपियनशिप। देखो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है मेंस की बैडमिंटन में, ठीक है, उसे कहा जाता है थॉमस कप, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1948 से। ऐसे ही विमेन्स के लिए क्या होता है, कुबेर कप, ठीक है। विमेन्स के बैडमिंटन वर्ल्ड कप को क्या कहा जाता है, कुबेर कप। ये 1957 में स्टार्ट हुआ था। बैडमिंटन इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक 1992। देखो 1972 में पहली बार बैडमिंटन ओलंपिक में आया था, उस टाइम पर, ठीक है, वो एज अ डेमोन्स्ट्रेट इवेंट था, डेमोन्स्ट्रेट टाइप का इवेंट था, यानी कि वहां उसे खेल कर दिखाया गया ओलंपिक में, लेकिन उसमें कोई मेडल वेडल नहीं मिल रहे थे, सिर्फ एज डेमोन्स्ट्रेशन गया था। उसके बाद 1992 से वो मेडल इवेंट हो गया, ठीक है, तब से 1992, ये 1992 के ओलंपिक हुए थे बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। ये आपका कोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका नेट हो गया, 5 फीट इसकी हाइट होती है, 1.5, देखो पोल 1.55 मीटर का होता है और 1.5 to 5 की नेट की हाइट होती है सेंटर से, ठीक है, नॉर्मली 5 फीट भी कह सकते हो। देखो हैंडल शाफ्ट थ्रोट हेड, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रैकेट है उसकी लेंथ ब्रेंथ क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, बोर्ड चल रहा है, हाँ बोल देना कि सर स्मार्ट क्लास पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो वाला कैमरा चल रहा है देख लेंगे, स्मार्ट, ठीक है, बोलना सामने कैमरा चल रहा है देख सकते हैं, ठीक है। अगर जनरली पूछा जाए MCQ में आ गया, ठीक है, कि लेंथ ब्रेथ क्या है, तो आप कहोगे 68 सेंटीमीटर इंटू 23 सेंटीमीटर, ठीक है। हेड की डायमेंशन क्या है, 28 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हैंडल शाफ्ट थ्रोट हेड, ठीक है, जॉइंट है, थ्रोट जो है वो जॉइंट पे है, हाँ जॉइंट पे, ठीक है। फेदर है, ठीक
देखो नेचर ऑफ द गेम, बैडमिंटन इज प्लेड एज सिंगल और डबल गेम विद वन और टू प्लेयर्स ऑन अ साइड। ठीक है, सिंगल या डबल के रूप में बैडमिंटन खेला जाता है, जिसमें सिंगल है तो ईच साइड एक प्लेयर है, डबल्स है तो ईच साइड दो प्लेयर है। अब डबल्स में दो कैटेगरी होती है, दो तरीके से हो सकता है डबल, अच्छा दो लड़के हो या एक लड़का एक लड़की हो, और तीसरी कैटेगरी एक होता है दोनों लड़कियां हो। ठीक है, अच्छा दोनों लड़के हैं इस तरफ, दोनों लड़के इस तरफ, या तो एक लड़का लड़की इस तरफ है, एक लड़का लड़की इस तरफ, या दोनों लड़के इस तरफ, दोनों लड़कियां इस तरफ, कोई दिक्कत? ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू हिट द शटल कॉक और द बर्ड बैक एंड फोर्थ विद द रैकेट अक्रॉस अ नेट 5 feet हाई एट इट सेंटर। यह कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो आपके जो सेंटर में जो नेट रखा हुआ है ना, जिसकी हाइट कितनी है 5 feet, उसके ऊपर से शटल को है ना अपोनेंट के कोर्ट में घेरना। ठीक है, अब कैसे घेरना है? द बर्ड शुड बी हिट विद सच स्पीड एंड एक्यूरेसी दैट द ओपोनेंट इज अनेबल टू रिटर्न द शॉट सक्सेसफुली। कहने का मतलब यह है, अब उसकी कोर्ट में क्यों मारी जाती है? ठीक है, पॉइंट अर्न करने के लिए। ठीक है, एक तो इतनी स्पीड होनी चाहिए कि उसे पता ना चले कब में शटल जो है उसके कोर्ट में गिर गई। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कोर्ट के बाहर चली गई शटल, आपने इतनी भर के मारी कि वो शटल कहाँ चली गई? कोर्ट के बाहर चली गई। या फिर आपने अगर ड्रॉप शॉट लगाया, ठीक है, मान लो आपके पास नेट है और आपने हल्का सा ड्रॉप शॉट लगाया, ठीक है, तो हुआ क्या, मान लो ये नेट है और शटल ऐसे आई और नेट पे टच करके आपके उसमें गिर गई, तो द गेम कैन आइदर बी फास्ट और स्लो पेड, यानी कि फास्ट स्पीड भी हो सकती है, स्लो स्पीड भी हो सकती है गेम की। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल लेवल ऑफ द प्लेयर। अब देखो इसमें एक चीज, इस पॉइंट को मैं समझाता हूं आपको, देखो, हाँ अब देखो, शॉर्ट सर्विस लाइन है, मैंने क्या कहा, अगर कोई यहां से सर्व कर रहा है तो इस वाले कोर्ट में जाएगी सर्व, अपोनेंट को यहां कर, इस वाले कोर्ट में खड़े होकर रिसीव करनी पड़ेगी, अगर कोई यहां से कर रहा है तो उसे यहां से रिसीव करनी पड़ेगी, कोई इधर से कर रहा है तो उसे इधर करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ऑल्टरनेट साइड। ठीक है, क्रॉस स्ट्रेट में मार तो फाउल हो जाएगा, क्या देखो ये होती शॉर्ट सर्विस लाइन नंबर एक, देखो यहाँ पर नेट है, ठीक है, अब इस लाइन के पीछे से सर्व करी जाती है, ठीक है, इस लाइन के पीछे सर्व करी जाती है, और सर्व ना इस लाइन के आगे गिरनी चाहिए और इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, जब बात किसकी हो रही हो, सिंगल की, ठीक है, क्योंकि सिंगल की बाउंड्री ये है ना, ये ठीक है, तो सर्व कहाँ जानी चाहिए, यहाँ शॉर्ट लाइन के इधर, ठीक है, इधर नहीं जानी चाहिए, नंबर एक। और क्या बताया था मैं उसमें, बता क्या रहा था, हाँ मैं उसमें इंटेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से इंटेंसिटी कहने का मतलब जोर, ठीक है, यानी कि स्पीड स्लो है या हाई है शॉट की, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक बात मान के चलो आप यहाँ पर हो, देखो प्लेयर ए यहाँ पर, प्लेयर बी इस वाले कोर्ट पर खेल रहा, प्लेयर ए ने शॉट मारा यहाँ पर, ठीक है, इस खिलाड़ी ने आगे आके इस शॉट को धीमे से मारा कि शटल कहाँ गिरे, यहाँ पर नेट के पास, मान जाएगा नहीं मान जाएगा, नेट के पास। अब मेरे को एक बात बताओ, ये खिलाड़ी ऑलरेडी ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये खिलाड़ी को आप यहीं मारेगा क्या? नहीं मारेगा ना, जो पीछे की तरफ मारने की कोशिश करेगा ना, अरे हाँ या ना, ठीक है, तो वो शॉट को कहाँ मारेगा, लॉन्ग खेलेगा वो, यानी पीछे की तरफ शॉट को खेलेगा, ठीक है। अब शॉट लेकिन आया कहाँ पर, यहाँ पर शॉट यहाँ पर आ गया, ये खिलाड़ी पीछे चले गए, इसने वापस दे दिया, तब तक ये पीछे आ गया, अब इसने वो शॉट इसको यहाँ पर दे दिया, अब इसके पास पूरा चांस है, क्योंकि ये वाला एरिया स्मैश मारने के लिए काफी होता है, उसके पास पूरा चांस है कि वो भर के क्या मार सकता है, स्मैश मार सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि शटल किस टाइप से आई है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रॉप शॉट लगेगा, ठीक है, लॉन्ग शॉट लगेगा, स्मैश लगेगा, या फिर शॉट की स्पीड धीमी करनी है या शॉट की स्पीड बहुत तेज करनी है, ये डिपेंड करता है कि शटल कहाँ घूम रही है। अगर कोई यहाँ से मार रहा है तो वो यहाँ पर पास में नहीं खेलेगा, कई बार यहाँ के पीछे भी खेल लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि शटल कहाँ घूम रही है कोर्ट में, उस पर डिपेंड करता है
ठीक है, कि पेज जो है वो फास्ट रखनी है या स्लो रखनी है, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड है मैंने पहले लगा दी इसमें, ये दो स्लाइड बाद में है, हाँ ये वाली बाद में। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल रूल स्कोरिंग, अटे वाला पीरियड कितने कितने बजे तक का है? अरे नहीं अभी तो बेल बज गया, बेल बज गई, अभी ना बढ़ा दो। अब देखो सुनो, एक नॉर्मल सी चीज सुनते हो जाओ जब आई गई। देखो गेम रूल में देखो क्या रह रहा, प्लेयर रह रहा, स्कोरिंग रह रही है, स्कोरिंग कैसे होता है प्लेयर कहते हैं, ठीक है। सर्विंग जो मैंने आपको बताई थी, सर्विंग कैसे होगी, उसके बाद सर्विंग ऑर्डर क्या होता है, सर्विंग ऑर्डर कैसे होता है, ठीक है। ऑर्डर इवन पे चलती है सर्विस, ठीक है। सिंगल्स के लिए अलग होती है, डबल्स के लिए अलग होती है। उसके बाद फॉल्ट कैसे था, वायलेशन कब होगी, ठीक है, उसके लिए पॉइंट है, ठीक है। लेट बेसिक स्किल्स जिसमें ग्रिप है, ग्रिप तीन टाइप की भी हो सकती है, फोर हैंड बैक हैंड, आपके में फोर हैंड बैक हैंड दो ही हैं, मैंने किताब में देखा था, ठीक है, सिलेबस में देखा था आपके में फोर हैंड और बैक हैंड। फुटवर्क, ठीक है, फुटवर्क को बहुत नॉर्मली डिस्क्राइब किया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में फुटवर्क पे नहीं किया गया सिलेबस। स्ट्रोक, ठीक है, क्लियर करना, स्मैश करना, ड्राइव करना, ड्रॉप शॉट, नेट शॉट, ठीक है। सर्व, हाई एंड डीप सिंगल्स के लिए, लो एंड शॉट डबल्स के लिए, ड्राइव फ्लिक, ठीक है। प्लेइंग स्ट्रेटजी सिंगल्स के लिए, डबल्स के लिए, साइड बाय साइड, अप एंड बैक, अप बैक रोटेशन, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपकी, ठीक है, ये रही। इसके बाद ये बास्केटबॉल वाली स्लाइड लग गई थी, ठीक है, बास्केटबॉल वाला वो लगा दिया मैंने, ठीक है। यानी कि ड्यूटीज जो होती हैं, ठीक, ड्यूटीज जो है आपके सिलेबस में बहुत नॉर्मल सी दी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पांच पॉइंट मैं आपके रखूंगा इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही कोचिज के भी 1 2 3 4 5 रखूंगा और रेफरीज की भी 5 रखूंगा, ठीक है। और बाकी ये दो और रह जाएंगे जो मैंने पहले बताया था ना कि मैं इसे बारे पढ़ाऊंगा, ये फैसिलिटी इक्विपमेंट सेफ्टी इसे बारे पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम पढ़ ही चुके हैं सर, ठीक है। बाकी जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब ये बताओ ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है ऑनलाइन ही पढ़ना है? अच्छा मेरे को भाई, मैं अभी तुम्हारा वोट कर लेता हूँ, ऑनलाइन कितने को पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ लो और ये वाला सही है बढ़िया। अरे बाप, चलो ठीक है, विचार करेंगे बाद में, ठीक है। चलो आज के लिए काफी है, अब रुको 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 रुको, बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी कवर कर लूँ इसमें एक बार, रुको 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 रुको। आर्यन खान आ ही नहीं रहा, ठीक है क्लास। यस सर, बहुत बढ़िया।